हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है, और ध्यान रखना अपना। और मैं कोशिश ठीक है, बाकी हड्डियों में बहुत भारी वाला दर्द हो रहा है हमारे। मेरा तो पैर एक सूजा हुआ है बिल्कुल। टकना जानते हो ना, जहाँ पैर डालते हैं वो अंदर की तरफ, पैर के अंदर के साइड में पूरा सूजा हुआ है। चलने में भी दिक्कत हो रही है। खूब एक्सरसाइज करी लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। पानी में ही है कुछ यहाँ पे। और ये देखिए, मैंने आज दलिया बना दिया है। तो कोशिश की तो ब्रेकफास्ट करते नहीं है, तो मैं भूखी रहती हूँ। मैं बनाती नहीं हूँ अपने लिए, खाली एक सेब मैं खाती हूँ डेली, तो फिर बेकार में खून की कमी हो जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा दलिया बना लिया है मैंने अपने लिए। और ये देखिए, ये मैंने चाय छान दी है। ये मेरी चाय बन चुकी है। देखिए बहुत थोड़ी ज्यादा बन चुकी है आज, कोई बात नहीं, पी लेंगे। अब चलिए मैं चाय ले चलती हूँ अंदर, चाय पीते हैं फिर। आप लोग चाय पी लीजिए, पहले चाय उसके बाद दूसरा काम, ठीक है ना? चलिए। और यहाँ पे बताती हूँ मैं आप एक बात, चाय पीते पीते थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ इलेक्शन है मई में, अप्रैल लास्ट में शायद है इलेक्शन है। तो मैं यहाँ, मेरे यहाँ पे डीएम के ऑफिस है, मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल जस्ट बराबर दीवार से दीवार मिली हुई है। तो अभी इतना शोर मच रहा है, इतना शोर मच रहा है, बहुत ज्यादा। वो गाना से चलता रहेगा और इतना, मतलब बहुत लाउडली है, बहुत ज्यादा वो। मतलब मैं कितना खिड़की बंद कर लूंगी, कितने दरवाजे बंद कर लूंगी, कुछ भी बंद कर लूंगी। यहाँ तक कि अब मुझे पूजा किस तरह से करनी पड़ रही है, पूरे कान में पूरा चुन्नी लपेट के, कान के अंदर रुई डाल के, तब मैं मतलब पूजा कर रही हूँ। लेकिन फिर भी पूरी आवाज आ रही है, क्योंकि काफी तेज चल रहा है ना, पूरी आवाज आ रही है। भाई उनका भी काम है अपना, उन्हें भी अपना वो करना है, प्रचार करना है, तो जरूरी है उनका भी। हम लोग थोड़ी सकते हैं किसी को, पर मेरा, मेरे पूजा, मैं जो मेरी पूजा हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। तो मुझे ना, जो मेरे घर में भी कोई ना कोई, जैसे मैं पूजा कर रही हूँ और कौशिक जी वहीं आके बैठ के बात करने लगते हैं, तो जितनी देर कौशिक जी बात करते रहेंगे उतनी देर में चुप रहूंगी या तो, और पूजा करूंगी तो मेरी पूजा वो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने क्या करा है। फिर मैं इनसे कहती चुप हो जाओ, मैं पूजा कर रही हूँ बस। और अभी मैं दलिया चढ़ा के आ गई हूँ, और मतलब आज मेरा मन हो रहा था बहुत दिन दलिया खाने का, तो मैंने बना दिया। और अभी मेरे चार पांच किलो करीब, मतलब हुआ चार पांच नहीं तो तीन चार किलो तो होगा दलिया है मेरे घर में, ला कर रख रखा कौशिक जी ने। अब मैं कौशिक से कह रही हूँ, आप दलिया खा नहीं रहे हो, मैं अकेले पेट के लिए एक आदमी के लिए कितना बनाऊंगी? और बासी एक दिन तो दूसरे दिन तो खाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बासी नहीं खाया जा सकता है। अब मैंने सोचा, मैं कह रही हूँ कि चलो मैं ये दलिया है ना घर ले जाती हूँ। तो ये कह रहे क्या करोगे दलिया घर ले जाके? मैंने कहा मैं ना ये जाके चक्की पीस लूंगी, अपने आटे की चक्की पीस लूंगी और इसका आटा बना दूंगी, फिर हम आटा तो खाया जाएगा ना, क्योंकि दलिया खूब महंगा आया, बहुत रेट है दलिया का, महंगा आया, फेंक थोड़ी सकती हूँ उस समय। तो कौशिक जी कह रहे क्यों बोझ बढ़ाना है, तो मना कर रहे हैं कौशिक जी। और आपने, किसी ने पूछा है कि भाई आंटी कलर का नाम और वो बता देना, तो बेटा मैं डलवा दूंगी आपको, मैं दिखा दूंगी, डाल दूंगी और आप देख लेना, ठीक है। और बाकी ये आपने ये भी पूछा है किसी ने मेरे से कि आंटी भाई वो आप कलर करवाते हो, एक महीना बोला है कि दोबारा करवाना पड़ता है हर महीने, तो वो तो फिर डाई वाला बात होगी ना बेटा, जो कलर हेयर कलर करते हैं वो यही होता है भाई, 7 दिन 15 दिन ज्यादा भाई ज्यादा ही बहुत वो है भाई, आपने पार्लर में गए और बड़ा वाला ही बहुत ही ज्यादा वो ऊपर ब्रांड रखा है कोई, वैसे तो होती नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ज्यादा ऊंची ब्रांड होगी तो आपके बालों में वो ज्यादा चलेगा। हमारे तो हम लगाते जैसे कलर, हमारे तो 15 दिन नहीं 8 दिन ज्यादा से ज्यादा, 8 दिन से ज्यादा नहीं चलता है। तो आप कह रहे भाई आंटी कलर लगवा के आई, मैं एक महीना ही बोला है ना आपने एक महीने बोला है, तो एक महीना ये वाला कलर मुझे पता नहीं है, मैं एक बार दीपा से पूछूंगी, क्योंकि दीपा ने ना ये लगवाया, पहले दीपा करवा कर लाई थी पार्लर से, तो उसका काफी दिन चला था वो कलर बालों में, काफी दिन चला है, फिर उसने बाद में अपने आप ही वो कलर अपने आप ही उतार दिया मेहंदी लगा के ना। तो कह दिया तो पैसे दे दो, मैं पार्लर करवा के, तो मेहंदी लगा के उसने ना वो सारा कलर, मतलब बाल एक जैसे कर दिए, बाल पूरे एक जैसे कर दिए थे उसने। तो फिर उसके बाद में अभी दीपा ने जो कलर करवाया है वो अभी पता लगेगा, एक महीने बाद मैं बताती हूँ भाई उसका वो उतर गया है, वैसे ही कलर है, पहली बार उसने वो कलर करा है। पर जो करने वाली है, जो लड़की करने वाली है,
वो तो वही कलर कर रही है तो मतलब अच्छा ही होगा ना वो कलर। मैं आपको लिंक डाल दूंगी उसका कलर का, बता दूंगी भाई क्या क्या चीज चाहिए उसके लिए और कैसे कैसे करना है। ठीक है, एक वीडियो ही बना देती हूँ मैं उसके लिए। स्विच किया आगे कुकर में, अब कोशिश बाहर चलेंगे, मेरे कुकर में सीटी आई जा रही है। और कल हमें मिल गया था यहाँ पालक और मेथी, तो कोशिश पालक और मेथी लेके आ गए हैं। तो कल मैंने मेथी का आटा गूंथ दिया था, मेथी देखो अब यहाँ पर कंजूसी, देखो तीन गुच्छी मिली थी मेथी की और दो गुच्छी मेथी की मिली थी और तीन पालक की लेके आए थे, बस इतना ही था उसके पास में। इतना ही उसके पास था, तो कल मैंने पूरा साफ ऑफ करके काट कर रख दिया था। तो आज मैं सोच रही थी आज मैं पालक के अंदर ही मैंने ताजा मेथी मिल गई थी ना, तो मैंने इतनी सी मेथी डाल दी है। तो एक किलो करीब पालक होगा तो थोड़ी सी मेथी डाल दी। अगर ज्यादा मेथी हम डालेंगे ना पालक के अंदर, साग बनाए कोई भी हम अगर साग बनाते हैं, सरसों पालक मेथी बथुआ कुछ भी बनाते हैं तो बथुआ उस सरसों डाला जा सकता है हमसे, लेकिन जो मेथी की जो होती है क्वांटिटी होती है वो बहुत कम रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर साग कड़वा हो जाएगा। और आज मैं साग बनाऊंगी पालक का, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह साग बनाती हूँ पालक का। कहते हो ना आप आंटी रेसिपी दिखाओ रेसिपी, तो मैं आज मैं बनाती हूँ। वैसे मेरी रसोई ऐसी है नहीं कि भाई जहां मैं कैमरा सेट करके रख दूं तो मैं बना के दिखाती रहूं, ऐसा नहीं है। तो फिर भी मैं अपने कोशिश करूंगी पूरा जितना मुझसे होगा, मैं आपको आज वो साग बना के दिखाऊंगी। सरसों तो है नहीं, पालक मेथी का साग बना के दिखाऊंगी, भाजी नहीं साग। तो आज मैं बनाती हूँ दिखाऊंगी फिर मैं आपको। चलिए अब मैं पीऊंगी चाय, बात कर लिए आप लोगों से, अब मैं चाय पीऊंगी। ठीक है, चलिए बाय। जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवता हो प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोष शोक को मुझसे मेरे परिवार से दूर रखना। प्रभु जाने जाने में गलती क्षमा करना। दीनों के नाथ हरी। घर जाने की सोच रहे हैं, कल भाई कल फोन आया था घर से कि आ जाओ, आज तो रिजर्वेशन करवा दी है अपनी आने की, यहाँ की भाई दिल्ली की, आ जाओ शादी में। तो फिर अब मैं देखती हूँ क्योंकि अभी एक शादी अभी है मार्च में है, फिर एक शादी फिर मई में हो जाएगी, तो यहाँ से इतनी दूर से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो ट्रांसफर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब दिक्कत हो जाएगी यहाँ से जाने में, हर दो महीने में जाना। और किराया तो आपको पता है फ्लाइट का कितना लगता है, अगर आप ट्रेन से जाता है फ्लाइट से नहीं जाता है तो वो कम से कम 7 दिन लेके चलिए आने जाने का। अगर 7 दिन की ट्रेन में हमने लगा दिया तो हमारा रहने का वहां पर कितने दिन बचेगा, तो इसीलिए फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो उसमें फिर 2 महीने में, पहले हमारा था, पहले मतलब यही लगा लो ना, शुरू में जब हम ट्रांसफर आए थे यहाँ पे तब हमारा बहुत बुरी आदत थी। अगर आज हम वही वाली आदत अब रखते ना अपने पास में तो आज मेरा सुल्तान जिंदा रहता। पहले हमारी क्या आदत थी, आप विश्वास नहीं करोगे कि आंटी झूठ बोल रही है ये क्या सोचोगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, किसी से पूछ लेना कोई भी होगा है इसे पूछना, मेरा 21 दिन ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या एक महीना, मेरे पड़ोस में जो मेरे सामने घर हैं जो सभी यही कहते थे कि अब क्या हो गया आपको, अब आते नहीं हो, धीरे धीरे करके बढ़ता जाए, 21 दिन है फिर एक महीना हुआ है, मतलब मैं कोशिश से कहती मैं परेशान हो गई, रोज रोज जाने में आने में दुनिया भर का पैसा खर्च होता, फिर वहां पर जाकर सफाई करो, फिर 8 दिन बाद वहां से वापस आ जाओ, छुट्टी थोड़ी मिलती है जब 21 दिन में एक महीने में आदमी जाएगा तो छुट्टी थोड़ी मिलेगी। और फिर जब वहां सफाई करके आओ, पहले तो 4-5 दिन सफाई करने में लग जाएगी, फिर जब थोड़ा लगेगा कि हाँ सफाई होगी अब आराम से बैठेंगे तब हमारा यहाँ पे आने का टाइम हो जाता, बस हमारा यही चल रहा था। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि घर बंद पड़ा 2 साल से, अब मैं कह रही हूँ चल जाएगी दीपा तो करवा देगी सफाई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरा मूड नहीं है, मैं आज बताऊं मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का अभी भी, क्योंकि कई मेरे को मैं काफी परेशान हूँ, मेरे कमर उमर में बहुत ज्यादा दर्द है, कौशी जी को भी तकलीफ है, कौशी जी के भी पैर में दर्द है बहुत ज्यादा, मेरे कमर में और पैर में दोनों में दर्द है, ऐसे चलते हैं जैसे हम लंगड़े चलते हैं ना ऐसे चल रहे हैं। आज तो हमारे यहाँ पीछे डीएम के ऑफिस में भी काफी कोई प्रोग्राम है, शायद इलेक्शन होने वाले हैं तो थोड़ा चल चहल कदम ज्यादा रहती है ना यहाँ पे। और देखिए गाना बज रहा है, आवाज आ रही होगी आपको, सुबह से शुरू है आती है।
बिल्कुल जस्ट हमारी दीवार से दीवार मिली हुई है डीएम के ऑफिस की। यहाँ गाने अलग होते हैं, अच्छे लगते हैं, समझ तो आते नहीं है लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं। यहाँ के भजन देखो, मतलब समझ नहीं आएंगे आपको, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसके अंदर घुस गए हो भजन के अंदर, मतलब ऐसा मन लग लय में घुस जाओगे आप वो यहाँ के वो जो भजन है, यहाँ के जो भगवान वाले गाने हैं ना उनमें बहुत अच्छे हैं। अब सुबह से ये चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ उस टाइम मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि अब अगर लगातार ऐसी तेज तेज आवाज होती रहेगी मेरे कान पे तो मेरे ना पूजा की तरफ ध्यान ना जाके वो मेरे कान में यही आवाज पड़ेगी तो मेरी पूजा डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से। आज देखती हूँ मैं कैसे करने वाली पूजा, खिड़की विड़की सब बंद करनी पड़ेगी मुझे। और कल मेरा तुलसी का गमला आ गया है नया, मैंने मंगवा लिया है। तुलसी के पेड़ है ना, मैं बताऊं आपको, मेरे नीचे बिल्डिंग में दो बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो सुबह के डेली ना सुबह के टाइम अपने पापा के साथ ना एक्सरसाइज करने के लिए छत पर जाते हैं, तो बच्चे हैं, बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है, तो वो उतर के ना जब हम लोग सोते रहते हैं सुबह सुबह ही आते होंगे, तो जैसे मैंने भाई पूजा करी है माचिस की तिल्ली है तो कई बार माचिस तिल्ली वहां रह जाती है गमले के पास में, तो इन बच्चों ने क्या करा, पहले तो मेरा तुलसी का पेड़ उखाड़ दिया, उखाड़ के रख दिया, फिर उसके बाद में गमले में ना छेद कर दिए उससे, उससे सीख से माचिस के लिए से सारे छेद कर दिए हैं, और जो तुलसी के छोटे छोटे पेड़ थे वो सारे तोड़ दिए, और जो बड़ा पेड़ था वो भी तोड़ के, वो हो सकता है बड़ा आदमी कोई आ गया साथ में, फिर उसने आके वो दबा दिया है, जब एक बार जड़ से पेड़ टूट जाएगा तो वो थोड़ी हरा होगा आप बताइए। मेरा पूरा गमला खराब कर दिया, मैं दो पत्ते की तुलसी पे पूजा कर रही थी कि भगवान मैया रानी मैं पूजा कैसे करूं, कहते हैं दो पत्ते वाली तुलसी पे पूजा नहीं होती, कम से कम सात या ग्यारह पांच पत्ते होने चाहिए, पांच हो सात हो ग्यारह तो बहुत ही अच्छे हैं, तो कम से कम किसी भी मतलब उसमें तुलसी है या आप ये पीपल का पेड़ कोई आसपास है जैसे भी ग्यारह पत्ते कम से कम होने चाहिए तब पूजा बोलते हैं लगती है, मुझे तो नहीं पता पर हमारे बड़े बूढ़े यही बताते हैं। तो जो मेरी तुलसी थी जिसकी मैं पूजा करी थी उसमें बहुत छोटे छोटे से बहुत बहुत मतलब बहुत छोटे जैसे तुलसी निकलती है जब उसके बाद छोटे छोटे पत्ते से होते हैं वो दो पत्ते थे, अब मैं उससे पूजा कर रही थी, और जिस दिन वो संजना गई है तो वो जो हमें ये तुलसी ला के देता भैया वो सामने हमारे घर में रहते, तो फिर मैंने उसी भैया से बोला था मैंने की मेरी तुलसी ला दो, तो फिर बोल रहा ठीक है मैं गमले के साथ ला दूंगा तुलसी, फिर गमले के साथ तुलसी लेके आ गया भैया, और काफी अच्छा गमला है, मैं काफी अच्छी तुलसी माता है, और मैं दिखाती हूँ आपको अभी तुलसी दिखाती हूँ पहले, और मैंने पूछा क्यों, कहते भगवान की तस्वीर या भगवान का कोई चीज प्रसाद तो ले लेना चाहिए, हाँ भगवान की पूजा का सामान है किसी से नहीं लेना चाहिए गिफ्ट में, जैसे भगवान तस्वीर है भगवान का कोई दे दिया है कोई पूजा का नहीं लेना चाहिए, वो अपना ही रखता है। तो फिर मैंने उस भैया से पूछा था कि भाई मैंने कितने पैसे है इसके, तो 150 है, तो अभी मैं कोशिश के हाथ पैसे पहुंचा रही हूँ उनके यहाँ पे, तो कोशिश पैसे दे देंगे।